नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी के इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। आप इसे कुर्ती, ड्रेसेस, ब्लाउज में कहीं पे भी बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये सिंपली इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गोटा पत्ती और उसके चारों ओर डोरी, एंकर का थ्रेड और मोती। इस तरह से यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया है। तीन फ्लावर हैं और इसके बीच में इस तरह से डिज़ाइन है। अभी यहाँ पर हमें ग्लू की हेल्प से गोटा पत्ती के इन लेप को यहाँ पे चिपकाना है। ये गोटा पत्ती बहुत आसानी से एम्ब्रॉयडरी की दुकानों पर मिल जाती है, आपको अलग अलग इसे कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से यहाँ पर ये गोटा पत्ती को हमने चिपकाया। उसके बाद में हमें लेना है एंकर का थ्रेड या नॉर्मल जो थ्रेड होता है उसकी चार स्ट्रेन ली है मैंने यहाँ, और इस तरह से जो फ्लावर है उसके अंदर का हिस्सा हमें भरना है। इस तरह से फ्लावर की पांचों पत्तियों को भरना है। सेंटर का जो हिस्सा है वो हम खाली छोड़ देंगे, वहाँ पर हमें मोती अटैच करने हैं इसके लिए। और इसी प्रोसेस से हमें इस सारे फ्लावर के अंदर इस थ्रेड से इसको भरना है। यहाँ पर मैंने ये सारे अटैच कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ जो ऊपर फ्लावर की चारों ओर मैंने ये डोरी अटैच की है, ये इस तरह से सुई धागे से हम लॉक करेंगे। ये डोरी गोटा पत्ती की डिज़ाइन के लिए स्पेशली ज़्यादा यूज़ की जाती है, फिर आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आउटलाइन के लिए और किसी अलग क्रिएटिविटी के लिए भी यूज़ की जाती है। अभी यहाँ पर इस तरह से सुई धागे से ही इसको लॉक करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कोई ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी के टेक्निक्स को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है और फटाफट भी हो जाती है और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से गोटा पत्ती की चारों ओर ये अटैच करने के बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे फ्लावर का हिस्सा है वहाँ इसे ले जाएंगे। अभी इस तरह इस फ्लावर की आउटलाइन को हमें इस डोरी से स्टिच करना है, इसकी फिनिशिंग देनी है और इसे इस तरह से कंटिन्यू करके पूरी फ्लावर के ऊपर इसे अटैच करेंगे। इस तरह से पूरी फ्लावर पर होने के बाद हम सेंटर में आएंगे और एक्स्ट्रा जो डोरी है उसे कट कर देंगे यहाँ पर। और अभी सेंटर में हम अटैच करेंगे मोती। तो यहाँ पर चार मोती लेने हैं हमें, जो हम इस तरह सुई में पिरो देंगे और जहाँ से सुई बाहर निकाली है वहाँ सुई वापस अंदर डालेंगे। तो इस तरह से ये चारों मोती एक साथ है अभी इस तरह से हो जाएंगे। अभी इनको बिठाना है तो इस तरह से लॉक करेंगे इनको और ये चारों इस तरह अटैच हो जाएंगे। तो ये फ्लावर भी आप अपने नेक डिज़ाइन पे बना सकते हैं। सिंपल सिंपल
ये फ्लावर भी बनाएंगे तो भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और साइड में कुछ इस तरह की बूटी भी अगर बनाना चाहें तो पूरी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो डोरी हमने अटैच की है, ये आगे जो हमारा खाली हिस्सा है वहाँ पर ऐसे ही अटैच करनी है इस डोरी को। ये प्रोसेस सिंपल रहेगा यहाँ पर भी। और इस तरह से ये बूटी की डिज़ाइन यहाँ हमें कंप्लीट करनी है, और एक्स्ट्रा कोई भी एसेसरीज यहाँ पर नहीं आएगी। और ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से बनेगी, और इसका लुक भी बहुत सुंदर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी के और डिज़ाइंस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।